जिला मुख्यालयों में भी बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। 6 जिलों की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। मोतिहारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोर्चा संभाला था। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भागलपुर की है, दूसरी सुपौल की, तीसरी सिवान की और चौथी आप देख पा रहे हैं सासाराम की है और पांचवी तस्वीर मोतिहारी की और छठी अगर हम तस्वीर की बात करें तो बक्सर की तस्वीरें हैं। ये 6 तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो कल पटना में प्रदर्शन हुआ था इसको लेकर के भारी प्रदर्शन फिर से। ये बात हम लोग के पार्टी के लोगों ने नहीं पूछा था। आरजेडी के एक एमएलसी ने एमएलसी अपने मोबाइल पर की बताओ देश के लोगों इस देश में कौन सबसे अविश्वसनीय नेता है, विश्वसनीय नेता है, तो देश भर के लोगों ने कहा कि एक नंबर का विश्वसनीय नेता अगर इस देश में है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। अब आप पर किसी को भरोसा नहीं। आज हमारी टीम पटना आई है, यहाँ से लौटेगी, कल रिपोर्ट देगी। अब जब रिपोर्ट आएगा तो हम आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। लाठी और डंडे और पानी का फवारा छोड़ा जाता है। उस भंडर में लगभग 2 दर्जन से अधिक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जी रहा, अनेकों हॉस्पिटल में उनकी भर्ती करा करके इलाज रत है। और उसी कड़ी में आप भी देखे होंगे देश दुनिया में ये खबर चल रहा है कि जहानाबाद की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं प्रदेश जिले के महामंत्री विजय सिंह उनको पीट पीट करके निर्मम हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी आज आंदोलित है, आंदोलित उसी मुद्दे को लेकर के है।